नमस्कार, मैं आपका दोस्त सीए मनमोहन जी फ्रॉम मुंबई। टुडे वी शैल डिस्कस ऑन विलफुल डिफॉल्ट। सो आरबीआई हैज कम आउट विद द मास्टर डायरेक्शन ऑन July 30, 2024, एंड इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कमर्शियल बैंक्स इंक्लूडिंग स्मॉल फाइनेंस बैंक, रूरल एरिया बैंक्स, रीजनल रूरल बैंक्स, बट एक्सक्लूडिंग पेमेंट बैंक्स। ऑल प्राइमरी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, स्टेट कोऑपरेटिव बैंक, सेंट्रल कोऑपरेटिव, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, एक्सिम बैंक, नाबार्ड, एनएचबी, सिडबी और नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। ऑल नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज इंक्लूडिंग हाउसिंग फाइनेंस, ऑल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज और ऑल क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनीज। सो दीज आर दी लेटेस्ट गाइडलाइंस जस्ट इन द प्रायर मंथ। सो हियर वी शेल डिस्कस व्हाट इज विलफुल डिफॉल्ट। सो इफ वी कंसिडर on the prospects of the borrower, he shall be deemed to have occurred when the borrower defaults in meeting payments or repayment obligations to the lender or any or more of the following. He has the capacity to honor this set of it. Means उसके पास पैसा तो है, but वह दे नहीं रहा है। कैपेसिटी तो है पर वह देना नहीं चाहता। ही हैज डाइवर्टेड द फंड्स अवेल्ड अंडर द क्रेडिट फैसिलिटीज फ्रॉम द लेंडर। तो क्रेडिट फैसिलिटी जो लेंडर से ली थी, 100 रुपए लिया था, तो उसमें से 50 रुपए 60 रुपए डाइवर्ट कर दिए। शाइफंड ऑफ द फंड्स अवेल्ड अंडर द क्रेडिट फैसिलिटी ऑफ द लेंडर। तो साइफंड ऑफ कर दिया, दूसरे कहीं दूसरी जगह पर भेज। सो Borrower has disposed of immovable or movable assets provided for the purpose of securing the credit facility without the approval of the lender. जो फैसिलिटी, जो मूवेबल प्रॉपर्टी, इमूवेबल प्रॉपर्टी बैंक को सिक्योरिटी के तौर पर दी थी, वह डिस्पोज ऑफ कर दी बिना लेंडर के बताए, बिना लेंडर की अप्रूवल। और तो और, Borrower and the promoter has failed in its commitment to the lender to infuse equity despite having the ability to infuse the equity, although the lender has provided loans or certain concessions to the borrower based on this commitment and other covenants and conditions. क्योंकि बैंकों का एक रूल रहता है कि कैपिटल का से 5 गुना से ज्यादा ज्यादातर लोन नहीं दिया जाता है। यदि एक आदमी की कैपिटल 20 रुपए है, तो उसको मैक्सिमम लोन 100 रुपए का मिल सकता है। कैपिटल टर्नओवर में ये क्राइटेरिया उल्टा हो जाता है। तो जिस समय लोन सैंक्शन करते हैं, उस समय कंडीशन डाल दी जाती है कि प्रमोटर को इतनी इक्विटी इन्फ्यूज करनी पड़ेगी, तभी यह लोन डिसबर्स होगा। बट कमिटमेंट के बेसिस पर लोन कई बार डिसबर्स हो जाता है, पर बोरोवर उस कमिटमेंट को पूरा नहीं करता है, तो इसको विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी में रखा जाएगा। विलफुल डिफॉल्ट बाय दी गारंटर। गारंटर के मामले में यदि गारंटर डज नॉट ऑनर दी गारंटी व्हेन इनवोक्ड बाय दी लेंडर डिस्पाइट हैविंग सफिशियंट मीन टू मेक पेमेंट ऑफ दी। तो गारंटर का रोल कहाँ आता है कि जब बोरोवर ने पैसा नहीं दिया है, तो बैंक गारंटर के पास जाता है और गारंटर ने जो गारंटी दी है उसको इन्वोक करता है कि भाई आपके बोरोवर ने पैसा नहीं दिया, तो आप तो यदि वे इन्वोक करने के बावजूद भी पैसा नहीं देता है, हालांकि उसके पास सफिशियंट मीन्स होते हैं, तो उसको बिल्कुल डिफॉल्ट की श्रेणी में रखा जाए।
He had disposed of immovable or movable assets provided for the purpose of securing the credit facility without the approval of the lender. कई बार गारंटर की प्रॉपर्टी ही बैंक के पास रखी होती है जो कि एक गारंटी होती है बोरोवर को लोन देने के लिए। यदि वह विदाउट द परमिशन ऑफ द लेंडर उसको डिस्पोज ऑफ करता है तो विलफुल डिफॉल्ट की श्रेणी में आएगा। हैज फेल्ड इन कमिटमेंट to the lender to infuse equity despite having the ability to infuse the equity although the lender has provided loans or certain concession to the borrower based on this commitment. तो यदि उसने गारंटर ने इक्विटी को इन्फ्यूज करने का कोई कंटेक्ट किया है और उसे नहीं करता है तो वह भी बिल्कुल डिफॉल्ट की श्रेणी में आएगा। सो दिस इज फ्रॉम my side on the willful default. We shall discuss the other jargons provided in the master directions on the other. बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।